ऋषभ पंत की कप्तानी पारी के दीवाने हो गए सौरभ गांगुली और रिकी पोंटिंग। इन दोनों ही महान खिलाड़ियों ने ऋषभ पंत की तारीफ करते हुए उनकी कप्तानी के बारे में जो बड़ा बयान दिया है, सच में उसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो क्या बोला है इन दिग्गजों ने, और रोहित शर्मा के बाद टीम इंडिया का कप्तान किसे होना चाहिए, इसका भी जवाब सौरभ गांगुली और रिकी पोंटिंग ने अपने बयान में दिया है। तो चलिए दिखाते हैं इनके बयान का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था तब किसी ने नहीं सोचा था कि वो इस कदर वापसी करेंगे और इतनी जल्दी वापसी कर जाएंगे, पर ऋषभ पंत एक फाइटर हैं, उन्होंने इस बात को साबित कर दिया। आपको बता दें, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उन्होंने करिश्माई कप्तानी की, लाजवाब बल्लेबाजी की। जिस लखनऊ सुपर जायंट्स का उनका किला उनका घर होता है, वहां पर जाकर दिल्ली कैपिटल्स ने मात दी है ऋषभ पंत की बदौलत। पहले तो लाजवाब कप्तानी करते हुए ऋषभ पंत ने अपने गेंदबाजों का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। जो लखनऊ सुपर जायंट्स 200 रन बना सकती थी, उन्हें 167 रन पर ही रोक दिया, और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की टीम ने 18.1 ओवर में ही जीत हासिल कर ली, जिसमें सबसे बड़ा योगदान उनके कप्तान ऋषभ पंत का था, जिन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। जैक फ्रेसर में गग्र ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। जैक फ्रेसर ने 35 गेंदों में 55 रन बनाए, उन्होंने 2 चौके 5 छक्के लगाए, लेकिन दिल जीता पंत ने। पंत ने 24 गेंदों का सामना करते हुए ताबड़तोड़ 41 रन ठोके, अपनी पारी में 4 चौके और 2 बेहतरीन छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 170.83 का रहा। इस मुकाबले में उनकी विकेट कीपिंग, उनकी कप्तानी सब कुछ बेहतरीन रही, जिसकी तारीफ करते हुए टीम इंडिया के पूर्व महानतम कप्तानों में से एक सौरभ गांगुली ने कहा, पंत एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जब वो खेलते हैं तो वो अकेले दम पर पूरा मुकाबला पलट सकते हैं। मुझे उनको इस तरीके से खेलते हुए देख कर बहुत खुशी होती है। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब मैं कुछ समय के लिए सदमे में चला गया था, क्योंकि वो मेरे लाडले हैं। मैं चाहता हूँ कि वो भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा करे, और वो करेंगे भी। उनके अंदर कप्तानी के भी शानदार गुण हैं, और मेरे हिसाब से टीम इंडिया का अगला कप्तान भी उन्हें ही होना चाहिए। नो डाउट कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप में आसानी से शामिल हो जाना चाहिए। चयनकर्ता उनका चुनाव जरूर करेंगे। दोस्तों, सौरभ गांगुली के बाद रिकी पोंटिंग ने भी ऋषभ पंत को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, ऋषभ पंत जैसा विकेट कीपर बल्लेबाज मैंने आज तक नहीं देखा। जिस आसानी से वो चौके छक्के लगा देते हैं, जो फियरलेस क्रिकेट वो खेलते हैं, वो वही कर सकते हैं। ये पावर पैक खिलाड़ी है, शानदार कप्तान भी है, बेहतरीन विकेट कीपर भी है, और लाजवाब बल्लेबाज। भारतीय टीम बेहद खुश नसीब है कि उनके पास एक ऐसा खिलाड़ी है। मेरे हिसाब से T20 वर्ल्ड कप में बिना झिझक शामिल कर लेना चाहिए उन्हें। दोस्तों, ऋषभ पंत की तारीफ रिकी पोंटिंग और सौरभ गांगुली ने जमकर की है। वैसे आपको क्या लगता है इस बार की T20 वर्ल्ड कप में एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज किसे शामिल होना चाहिए, संजू सैमसन या फिर ऋषभ पंत को? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।